मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का लिंक आपको मिलता रहे, और साथ में ही आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ वेबसाइट पे विजिट करें और डेमो क्लासेस का फॉर्म भर के आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं। तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको जो है कुछ अलग चीज बताने वाले हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप यूट्यूब का वीडियो एक्सेल पे प्ले कर सकते हैं। जी हाँ, एक्सेल के ऊपर आप अपना यूट्यूब का वीडियो कैसे प्ले कर सकते हैं। आप जैसे किसी ब्राउजर पे जाके आप जैसे मेरा वीडियो जो है मतलब कि वाच करते हैं, जैसे भी प्ले करता हूँ मैं, ये जो वाच आप कर रहे हैं मेरा वीडियो, सेम वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप वाच करें मेरे अपने एक्सेल के ऊपर। कैसे करना है? बस पहले तो आपको वीडियो का लिंक कॉपी करना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, उसके बाद उस वीडियो लिंक को यहाँ पे पेस्ट कीजिए और इसमें का जो वाच है और जो ए आपका क्वेश्चन मार्क है इसको डिलीट कर दीजिए, और फिर आपका ये जो इक्वल है उसको भी डिलीट करके स्लैश डाल दीजिए। तो ये जो लास्ट के होते हैं इसको वीडियो आईडी कहते हैं। बस यही चेंज होगी, इससे पहले का पैटर्न आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। उसके बाद आप चले जाइए डेवलपर में। आपके पास अगर डेवलपर टैब नहीं है तो फाइल के अंदर ऑप्शन में यहां कस्टमाइज रिबन में आपको डेवलपर टाइप यहां से मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है यहां इंसर्ट पे आइए और ये जो लास्ट में जो टूल्स का दिखा रहा है, इसका टूल्स का जो आइकन्स है जिसका नाम होता है मोर कंट्रोल्स, इस पे क्लिक कीजिए। थोड़ा सा ये हैंग हो सकता है, उसके बाद एक बॉक्स आएगा। इस बॉक्स में आपको करना क्या है, हाँ, शॉक वेव फ्लैश ऑब्जेक्ट, इसको आप ओपन कीजिए और फिर इसको किसी एक जगह पे आप ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपने इस लिंक को कॉपी करें और इस शॉक वेव को क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और प्रॉपर्टीज में यहां मूवी होगा, मूवी पे जो लिंक है इस लिंक को पेस्ट कर दीजिए जो कि लिंक आपने अब बनाया था, और इसको क्लोज कीजिए। अपने हिसाब से इसकी साइज को बड़ा छोटा पहले कर लीजिए ऐसा चाहिए आपको। उसके बाद यहां डिजाइन मोड को यहां से हटा दीजिए। देखिए अब इसके साथ आप ऑटोमेशन वगैरह भी कर सकते हैं। अगर वीवीए प्रोग्रामिंग अगर आपको आता है तो आप इसकी ऑटोमेशन वगैरह भी कर सकते हैं कि भाई जब मैं क्लिक करूं तो ऑटोमेटिकली रन हो जाए, इस तरह की चीज आप भी कर सकते हैं। तो अपना यूट्यूब का वीडियो आप अपने एक्सेल वर्कशीट पे प्ले कर सकते हो इस एग्जाम्पल से, और इससे बड़ा करोगे तो आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। प्ले कर रहे हैं, अगर इसको मिले यहाँ से इस पर क्लिक करोगे बड़ा स्क्रीन, इस पर क्लिक करोगे तो यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेल पे यूट्यूब को एम्बेड कर सकते हैं। जी हाँ, यूट्यूब को एम्बेड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
कमेंट्स में कुछ लिखना है तो लिखिए, लेकिन अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट के जरिए ना पूछ करें, आप जो है ना मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं, मैं नंबर स्क्रीन पे दिया है, डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस लेना तो भी आप ले सकते हैं, या हमारी DVD परचेज करना वो भी आप परचेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरी वेबसाइट दिख रहा है www.iptindia.com, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, उस पर लॉग इन कीजिए, कोर्स लीजिए, मतलब क्लासेस का लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा। अब आपको अगर चाहते हैं कि लाइव क्लासेस ऑनलाइन मेरे साथ ज्वाइन करना तो आओ भी कर सकते हैं, तो हम पहले डेमो देते हैं। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है एक बार मेरी डेमो क्लास लेके जरूर देखें। तो डेमो क्लासेस के लिए कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है, आप सेलफोन से भी ले सकते हैं। तो मेरी वेबसाइट पे जाइए, डेमो क्लासेस का फॉर्म भरें और डेमो लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।